हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकिता और आप सबका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं जैस्मिन गजरा। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूं एंकर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड ग्रीन कलर, और ये कॉटन का थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूं, 3-ply है। आप चाहे तो दोनों कलर के लिए सेम एंकर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड या फिर 3-ply यूज़ कर सकते हैं, जो भी साइज़ आपको चाहिए उसके लिए दोनों ही चलेगा। और इसके लिए मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 1.5 mm। आप चाहे तो एक साइज बड़ा या एक साइज छोटा हुक भी ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एक जैस्मिन बर्ड के लिए 2 chains की ज़रूरत होगी, मतलब यहाँ पे ग्रीन में 2 chain होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके जितने भी लॉन्ग आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसे भी आपको ज़रूरत हो। सो इसके लिए मैं बनाने वाली हूँ, मैं लूँगी यहाँ पर टोटल 60 chain। टोटल 60 chain लेना है, 2 chain एक्स्ट्रा। हाफ डोर क्रोशिया बनाना है हमें, यहाँ से जो 3rd chain है इसमें, उसके लिए यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक, यार्न ओवर, पुल थ्रू द ऑल 3 loops, तीनों लूप से हमें बाहर निकालना है। और ये है हाफ डबल क्रोशिया HDC, एंड तक पूरा इस तरह से HDC बनाते जाना है। लास्ट स्टिच है आप लोग क्रोशिया, उसके बाद chain 1। यहाँ से हम अटैच करेंगे व्हाइट कलर का थ्रेड। जो फर्स्ट हाफ क्रोशिया हमने बनाया था उसके ऊपर का जो चेन है वो ही है। ये रहा, फर्स्ट HDC के ऊपर का चेन, ये रहा। इसमें हमको व्हाइट कलर ऐड करना है, अटैच करना है। इसे अटैच करके पीछे एक नॉट लगा देना है ताकि सिक्योर रहे। chain 3, हाफ डबल क्रोशिया का जो फर्स्ट चेन है उसमें आएगा chain 3 एंड 4 double crochet। हाउ टू मेक 4 double crochet, यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक, यार्न ओवर, 3 loops, पुल थ्रू द 2 loops, यार्न ओवर, पुल थ्रू, अगेन डबल क्रोशिया। फर्स्ट हमने ये चेन दिखा को फर्स्ट चेन यहाँ पर इसमें हमको इंसर्ट करना है इस तरह से, और इस लूप में वापस इंसर्ट करना है इस तरह से, इसको पकड़ के इसमें से निकालना है जिस तरह से स्लिप स्टिच करते हैं उस तरह से, ऐसे तरह से। तो ये एक जैस्मिन बर्ड रेडी हो गया, 1 जैस्मिन बर्ड। chain 3, 1, 2, 3, slip stitch in the same space में slip stitch लेना है जिसमें हमने ये बनाया है बर्ड, ये इस तरह से बन जाएगा। Next chain slip stitch, next chain slip stitch, chain 3, मतलब 2
वर्ड्स के बीच में एक चेन स्किप करेंगे. 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस, सेम चेन स्पेस. 1, 2, 3, 4 फर्स्ट चेन जो यहाँ से दिख रहा है उस हुक को इंसर्ट करेंगे और फिर इसमें इंसर्ट करेंगे. इस तरह से करेंगे तो स्लिप स्टिच लेना है, मतलब इसमें से इसको पास करना है इस तरह से. तो ये हो गया, इस तरह का स्लिप स्टिच है ये. हम फ्रंट साइड में करते हैं, ये बैक साइड में स्लिप स्टिच लेना है. हम चेन 3, 1, 2, 3 सेम स्पेस में जिसमें पॉट बना उसमें हुक को इंसर्ट करना और स्लिप स्टिच लेना है. मेरा स्लिप स्टिच इन द सेम चेन स्पेस. नेक्स्ट चेन मेरा स्लिप स्टिच, अगले चेन में स्टिच बनाना है, अगले चेन में फिर से स्लिप स्टिच. सेम मेथड से ये एंड तक कंटिन्यू करना है हमें, पूरा लास्ट तक. नाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस साइड, दूसरे साइड बनाएंगे हम. ये लास्ट बर्ड है, दिस वन इज लास्ट. नेक्स्ट के लिए हम लोग, as you can see, वो इस तरफ दिख रहा होगा, स्पेस दिख रहा है आपको, इस तरफ भी चेन बना हुआ है एक लाइन से. तो हमको ये स्पेस यूज करके एज अ चेन, ये सभी चेन है, 1, 2, 3, 4, 5 सब चेन है. जैसे इस तरह का सेम तरीके से इस तरफ भी वर्ड्स बनाने हैं. तो सो हियर इज द फर्स्ट चेन इज हियर. Skip this one. ये फर्स्ट चेन है, यहाँ पर हमको इंसर्ट करना है, स्लिप स्टिच लेना है. फिर चेन 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया. 3, 1, 2, 3 slip stitch in the same space. Slip stitch in the next space, next chain space. Slip stitch in the next chain space. Chain 3.